हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के पुराने बैकग्राउंड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिट्टी खुदाई हो रहा है, जो उधर में बॉयज हॉस्टल बन रहा है उसके लिए यहाँ से माटी जा रहा है, उसमें भराएगा वहाँ पे बॉयज हॉस्टल जो बन चुका है, तो बॉयज हॉस्टल के लिए मिट्टी जा रहा है जो उसमें भराएगा अभी। और यहाँ पे पुराना वाला बिल्डिंग देख सकते हैं, और ये है उसका ग्राउंड, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। उधर में साइकिल और कार का पार्किंग होता है। काला गमछी में एक मोटा आदमी दिख रहा है, वो गार्ड। और ये देखिए पुराना वाला बिल्डिंग, और वहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, हमेशा उधर छाया रहता है। तो वहाँ पे मेन गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग। ये है पार्क, और ये है बुद्धा पार्क। यहाँ पे कुछ बहुत सारा पेड़ पौधा और फूल लगाया गया है, बगीचा है। फूल तोड़ेंगे और उसका गुस्सा जो है एकदम बता नहीं सकते हैं। अरे तो मत करना। तो देखिए फूल सूंघना शुरू कर दिया। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का पुराना बिल्डिंग का फ्रंट व्यू है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर भी नेशनल एंथम होता था, और यहाँ पर नेशनल फ्लैग भी फहराया जाता था इसमें, जिसमें कि अभी पूरा फूल लगाया गया है। और बहुत यहाँ पर चारों तरफ फूल लगाया गया था पुराना बिल्डिंग में, लेकिन न्यू बिल्डिंग में उतना जगह नहीं है जहाँ पर फूल और बगीचा लगाया जा सके। और यहाँ पे देखिए नल है जहाँ से ये पानी पी रहा है। काफ़ी ठंडा पानी आता है यहाँ पर, बट दुख की बात है कि नल जो है वो बहुत कम पानी देता है, 3 से 4 मिनट में एक बोतल पानी भी नहीं भर पाता है। देखिए यहाँ पर ये पानी डाल दिया हाथ पे, बर्फ़ जैसे ठंडा है, माइनस में है। तो यहाँ से देखिए वो सब अशोक का पेड़ जो है वो बहुत मस्त व्यू आता है यहाँ से, बहुत काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ पे देखिए उधर में पार्किंग लगता है, और यहाँ पे बर्तन धोने के लिए या फिर हाथ पैर धोने के लिए यहाँ पे नल और मोटर का पाइप लगाया गया है। तो गाइस ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर का न्यू बिल्डिंग, जिसमें हम लोग का अभी पढ़ाई चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ बगीचा है, और यहाँ पर कॉलेज का आप लोग फ्रंट व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पर बाइक भी देख सकते हैं। हम आप लोगों को पूरा कॉलेज दिखा देते हैं चारों तरफ से। तो इधर हम लोग का एक साइड रोड भी है जिधर से हम लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे है कॉलेज का मेन गेट जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, और इधर में आपको साइड रोड देखने को मिल जाता है। और ये है हमारा कॉलेज का पुराना बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी मस्त भी हुआ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो साइड डोर है इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अभी लॉक है। और यहाँ पर पूरा मिरर लगा हुआ है दीवार पे। यहाँ पर देखिए कॉलेज का पुराना बिल्डिंग का ये बैक साइड है, बैक व्यू। हाँ तो ये, और इधर में एक कैंटीन है जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना कैंटीन था, अभी बंद हो गया है। इसमें अब कोई स्टूडेंट खाने नहीं आता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर में भी कैंटीन खुल चुका है, इसीलिए यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कैसे घास उग चुका है, घास पूरा जंगल जैसा हो गया है। और इधर से देखिए कॉलेज का बैक साइड है ये न्यू बिल्डिंग का, और इधर में बहुत ज़्यादा जंगल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है पीछे में। टेक्सटाइल का लैब, और वहाँ पे वो जो पुराना लाइब्रेरी है, और वहाँ पे मैकेनिक का लैब भी है, मैकेनिक्स का लैब है वहाँ पे, जहाँ पे मैकेनिक्स का जितना भी प्रैक्टिकल होता है वो सभी वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं मशीनरी के साथ। और ये बाइक भी है, लेकिन यहाँ पर दीवार, सभी दीवार जो है वो फटने लगे हैं, दरारें छोड़ चुके हैं दीवार। यहाँ पे देखिए पूरा खिड़की सब स्टूडेंट तोड़ दिया है। थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। दरारें आने लगी है, भाग गए हमारे कैसे तैयार हो रहे हैं पढ़ के, यही कॉलेज से पढ़ के तैयार हुए। और यही तो यहाँ पे था हम लोग का पुराना लाइब्रेरी, जो कि अभी बंद हो चुका है, इसमें अब कोई आता नहीं है। यहाँ पे सारा बुक जो है वो न्यू बिल्डिंग में जा चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू बिल्डिंग में लाइब्रेरी ऊपर की तरफ है, थर्ड फ्लोर पे। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अब कॉलेज के बैक साइड प्लेग्राउंड। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत जंगल हो चुका है।
इधर में अभी यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है अंदर में न्यू बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि नए पुराना वाला जो बिल्डिंग है वहाँ पे पार्किंग का बहुत सारा जगह है, इसलिए और यहाँ पर देखिए अब हम लोग आ गए हैं फिर से। इधर थोड़ा सा जगह है ग्राउंड के लिए जहाँ पे हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, और यहीं पे नया वाला कैंटीन खुला है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर का बैक साइड से बहुत सुंदर नज़ारा है। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करने से तो केवल ब्राउज फीचर में मिलता है, ऑलवेज वेल होगा। देखिए यहाँ पर भी मिरर पूरा लगा हुआ है, जो इधर से नहीं दिखता लेकिन उधर से क्लियर दिखता है जब बिल्डिंग में आता है। और यहाँ पे सामने में एक बहुत बड़ा पेड़ है और इसका यहाँ पे डाली भी काट दिया गया है, ये बहुत गलत है, पेड़ को नहीं काटना चाहिए था। कॉलेज के पीछे खुदाई हो रहा है, तो अब हम लोग फिर से आ चुके हैं जहाँ से चले थे। 8:30 में कॉलेज खुल जाता है, तो अब चलिए 10 बज चुका है। अब हम आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, अंदर का व्यू कैसा है, कॉलेज अंदर से कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं कॉलेज में, और यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक लगता है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं। और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर में प्रिंसिपल सर का चैम्बर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। अब हम सीढ़ियों की मदद से फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि ऊपर में किसका चैम्बर है और वहाँ पर कौन कौन से टीचर्स रहते हैं, और यहाँ पर क्लासरूम भी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं कॉलेज के स्टाफ्स हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पर रूम है, और इस फ्लोर पे वाइस प्रिंसिपल का यहाँ पर चैम्बर है। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर। यहाँ पर देखिए ये दोस्त लोग हैं मेरे, और यहाँ पर देखिए हम लोग सेकेंड फ्लोर भी पहुँच चुके हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे में मेरा क्लासरूम है, तो आपको क्लासरूम में भी ले चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी क्लास चल रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड सेमेस्टर का क्लास चलता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए टेक्सटाइल ब्रांच का यहाँ पर क्लास चलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इसमें कोई नहीं है, और यहाँ पर हमारा क्लास जो है वो चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद, तो पहले क्लास कर ले फिर ब्लॉगिंग करेंगे। सो गाइस हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्लास अब कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे चंदन सर क्लास लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे वाइस प्रिंसिपल सर आए हैं, और चंदन सर मशीन का डायग्राम और मशीन के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना था, तो हम लोगों को स्मार्ट यानी कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना था, तो इसलिए सर हम लोग को बताने आए थे। तो फिर मिलते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड पे क्लास करने के बाद। सो गाइज अब 5 बज चुका है और हम लोग का क्लास ख़त्म हो चुका है, छुट्टी हो चुका है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब रूम पर। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का रूम है। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं रूम पर, काफ़ी मस्त व्यू है। अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।